एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। आज दिवाली है और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं मंदिर से कर रही हूँ। मैं अभी राम मंदिर आई हूँ, परसों गई थी मार्केट को सामान लेने के लिए, तो सोचा कि सबसे पहले मंदिर चल जाती हूँ। दीपावली और राम मंदिर आना तो बनता है। अभी मैं यहाँ के दर्शन आपको करवाती हूँ लाइव, और मेरे साथ में अभी ये है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम भी मिल गया। यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा मंदिर है। सबसे पहले यहाँ पे ये नरसिंह जी की ये इतनी प्यारी सी मूर्ति है, आप दर्शन कर सकते हैं। और ये नाम मंदिर के नाम से ही जाना जाता है यहाँ पे। और ये देखो, यहाँ पे इतना सुंदर शिवलिंग लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें नंदी बैल भी है, ये देखो। यहाँ पे मंदिर इतना ब्यूटीफुल है ना अंदर से, यहाँ पे लाइटिंग आ रही है ना बाहर से, उतना ब्यूटीफुल आपको मतलब कैमरे में नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे इतना प्यारा मंदिर है ना कि यहाँ आके ना इतनी शांति मिल जाती है। और सुबह सुबह यहाँ पे भजन लगे होते हैं जो कि सारा दिन ही लगे होते हैं। और ये देखो, मैं आपको राम भगवान के दर्शन भी करवा देती हूँ आज दिवाली के दिन में। और यहाँ पे डेकोरेशन भी होती है, बाहर इतनी अच्छी डेकोरेशन होती है ना, वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि आज तो घर जाना है शाम को। हमने तिलक भी लगा दिया और अब हम जाएंगे मार्केट। बाहर से भी मैं एक बार आपको झलक दिखा देती हूँ। देखो कितना ब्यूटीफुल राम मंदिर है यहाँ पे, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। ये सामने हनुमान जी की मूर्तियाँ लगी हुई। यहाँ पे दिए ले रहे हम, ये वाला कैसा दिए देख, मिट्टी के दिए अच्छे होते हैं यार। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम करसोग गए थे और अभी शाम हो चुकी है। आज दीपावली है और आज के दिन के लिए अपने घरों में सभी सफाई करते हैं और दीपावली के दिन जो है अपने घरों को सजाते हैं, तो हम भी कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं और अभी भी करे जा रहे हैं। तो पीछे देखो, मैंने थोड़ी बहुत रंगोली बनाई है यहाँ पे, ऐसे करके बनाते हैं हम, कई चूने से बनाते हैं, लाल मिट्टी से बनाते हैं और कुछ कलर्स लाए होते हैं तो थोड़ा बहुत मैंने भी लाए हैं। आज तक मेरे व्लॉग्स नहीं आए, उसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ ना, एक तो शादियों का सीज़न लगा ना आजकल, तो हमारी फैमिली में भी एक दो शादियाँ हैं उसमें बिजी, और एक हेल्थ बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी इतने दिनों में, ब्लॉग्स बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो आज दिवाली थी तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाई देती हूँ कि हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपको अपनी रंगोली सबसे पहले बता देती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ से मेरी दिवाली की रंगोली शुरू हो जाती है। हम कोई स्पेसिफिक बहुत अच्छी रंगोली नहीं बनाते, बस इस तरह से थोड़ी बहुत बना देते हैं। यहाँ पे मैंने हैप्पी दिवाली लिखा है फर्स्ट पे, और यहाँ देखो बताती हूँ आपको, ये चूना है जो ये वाइट वाइट दिख रहा है आपको, और ये पिंक कलर का मैंने अलग ही कलर लाया हुआ था, बट वो उतना अच्छे से मुझसे बना नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता थी कि उसमें कितना कर क्वांटिटी पानी डलेगा, तो मैंने अपने हिसाब से डाल दिया था, बट उसमें शायद मुझसे ज़्यादा ही पानी डल गया था, इसलिए ये तक कलर थोड़ा सा फेड आया है, इसमें अच्छा सा कलर नहीं दिया है। बट जो चूना लगा ना वो बहुत ही अच्छा लगा है, आप देख सकते हैं कितना क्लियर दिख रहा है। और यहाँ पे भी मैं रंगोली बनाऊंगी थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे मैंने लाल मिट्टी लगा के रखी है ना, तो लाल मिट्टी में इसमें जो है आज लिक्विड कलर बनाऊंगी मैं, जो कलर और बार में इसमें लगाती थी ना वो कलर होता था, मैं सिर्फ ऐसे सूखा कलर लगा देती थी इसके ऊपर, बट आज इसमें लिक्विड कलर लगाऊंगी तो ये सूखने देना पड़ेगा, उसके बाद मैं लगाऊंगी। हम इस तरह की लाइटिंग का भी प्रबंध कर रहे हैं जो कि हम यहाँ पे घर में लगाएंगे और अपने घर को, छोटे से घर को सजाएंगे, ठीक है? देखो इसको आजकल, इसकी भी आजकल हालत ऐसे ही है कुछ, ये भी बीमार पड़ा है बेचारा, वो सुस्त सा है, ऐसे सोया ही रहता है दिन भर। और इसका ये बड़ा वाला भाई है, और हमारी बड़ी वाली दीदी जो है आज हमारे दिवाली में घर आए हुए हैं क्योंकि कल से एक शादी भी लग चुकी है फैमिली में। साइड साइड में कोड़े कोड़े दे,